पूर्व विधायक शेर सिंह वटशामी की पुत्रवधु सपना वटशामी ने बाबेन क्षेत्र के आज दर्जनों गांवों का दौरा किया। दौरे के उपरांत गांव झडोला के अंदर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर लाडवा हल्का की जनता ने वटशामी में परिवार का मौका दिया तो उन्हें सभी मूलभूत सुविधाओं से आजाद कराया जाएगा। और उन्होंने कहा कि शेर सिंह वटशामी लाडवा हल्के की पिछले 20 वर्षों से सेवा करते आए हैं और आगे भी इसी प्रकार शेर सिंह वटशामी ऐसी सेवा करते रहेंगे। प्रोग्राम बहुत ही अच्छे हुए, ये 44वां गांव है हमारा। इससे पहले हम 43 गांव जो है कर चुके हैं और जहाँ जा रहे हैं ना, हमें इतना प्यार मान सम्मान मिल रहा है और जो फूल मालाओं से माजी जो है ना, सारे के सारे महिलाएं जो स्वागत कर रही हैं, उससे ये एहसास होता है कि हमारी जिम्मेवारियाँ और उनकी उम्मीदें हमसे कितनी ज़्यादा होंगी। तो मैं इस उम्मीदों को पूरा करने का काम हम लोग ज़रूर करें। पहले प्राथमिकता तो यही रहेंगी, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उन्हें जो है जितनी दे सके उतनी देंगे। और एक और चीज़, जो रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है ना, मैं आज देख रही हूँ बच्चे जो है ना हमारे पढ़े लिखे कोनों में लगे हैं। 5 साल हमारे हल्के का ना विकास बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं कहना चाहती हूँ कि एक विधायक का फ़र्ज बनता है जाने से पहले हर गाँव में जाए और अपने गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उसे पता होनी चाहिए और उनके बच्चों की क्वालिफिकेशन भी उसे पता होनी चाहिए कि बच्चों की क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ फिर उन क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उन बच्चों को एडजस्टमेंट्स में डालना तो विधायक का फर्ज होना चाहिए। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए लाडवा से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।